दोस्तों, दुनिया में अमीर कौन नहीं बनना चाहता। पैसों की ज़रूरत सभी को होती है और बहुत सारा पैसा कमाना कोई भी नहीं छोड़ सकता। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अपनी शुरुआत सिर्फ न्यूज़पेपर बेचने से की थी और आज वह दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्तियों में शामिल हैं। दुनिया के सफलतम इन्वेस्टरों में अग्रणी वॉरेन बफे दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं और आज भी लोग उनकी इन्वेस्टमेंट टिप्स लेने के लिए लालायित रहते हैं। आइए, आज हम आपको 21वीं सदी के सबसे बड़े दानवीर माने जाने वाले वॉरेन बफेट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के ओमाहा शहर के नेब्रास्का जगह पर हुआ था। वॉरेन बफेट के पिता का नाम हॉवर्ड बफे था, जो शेयर बाजार में कारोबारी थे, और माँ का नाम लीला था। वो अपने माता की 3 संतानों में दूसरे स्थान की संतान और इकलौते पुत्र थे। वॉरेन ने रोसेल एलिमेंट्री स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत की थी। 1942 में उनके पिता को यूनाइटेड स्टेट कांग्रेस के लिए चुना गया था, जिसके बाद उनका परिवार वॉशिंगटन चला गया था। वॉरेन इसके बाद एलिस डील जूनियर्स हाई स्कूल में पढ़े और 1947 में बोडेरो विल्सन हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वॉरेन बफेट को व्यापार और निवेश का शौक बचपन से ही था। अपने व्यापार की शुरुआती दिनों में, जब वो केवल 11 वर्ष के थे, तब वो घर घर जाकर पत्रिकाएं बांटना, च्युइंग गम और कोको कोले की बोतल बेचने जैसे कई काम किया करते थे ताकि उनके जेब खर्च के पैसे निकल सकें। इसके बाद वो अपने दादाजी की किराने की दुकान पर पैसे कमाने के लिए अखबार बांटते, गोल्फ बॉल और स्टंप बेचने आदि कई काम किया करते थे। लेकिन जब वह सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल में पढ़ा करते थे, केवल 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला आयकर रिटर्न भरा था, जिसके कारण उन्होंने अपनी साइकिल के उपयोग और घड़ी पर $35 की कमी कर दी थी। उन्हें हमेशा से इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने पैसा कमाना बहुत देर से शुरू किया। वॉरेन बफेट का मानना है कि वो आज जो भी हैं, उसका पूरा क्रेडिट बेंजामिन ग्राहम को जाता है। दोस्तों, बेंजामिन ग्राहम भी शेयर बाजार के बहुत बड़े खिलाड़ी थे और वॉरेन उन्हीं के वहाँ $1200 प्रतिमाह की सैलरी पर काम किया करते थे और उन्हीं से वॉरेन बफेट ने निवेश के गुण सीखे थे। जब वॉरेन ने कंपनी को ज्वाइन किया था तो उसके 2 साल बाद बेंजामिन ग्राहम रिटायर्ड हो गए और तभी वॉरेन ने भी वहाँ से नौकरी छोड़ दी और अपना खुद का काम शुरू किया। आज के कुछ सालों में देखते ही देखते उतार चढ़ाव के बाद वॉरेन बफेट अरबपतियों की गिनतियों में शामिल हो गए गैर और आज दुनिया के तीसरे और अमेरिका के सबसे धनी व्यक्ति बन गए। वॉरेन बफेट आज 85 वर्ष की आयु में भी सफल इन्वेस्टर होने के साथ ही साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो 21वीं सदी के सबसे दानवीर माने गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉरेन बफे ने अपनी कुल संपत्ति का 85% हिस्सा बिल गेट्स की बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को दान कर दिया और ये इतिहास की सबसे बड़े दान में शामिल हो गया। दोस्तों, अब मैं उनके कुछ टिप्स आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो उन्होंने खुद दिए हैं। कमाई, कभी भी अकेली आय पर निर्भर ना रहें। आय का दूसरा साधन बनाने के लिए निवेश करें। सफलता, जब मौके आते हैं तभी कोई काम करते हो। मेरे जीवन में एक ऐसा पल भी आया था जब मेरे पास उपायों का गठरा पड़ा था, लेकिन यदि मुझे अगले हफ्ते कोई उपाय आता है तो ही मैं कुछ कर पाऊँगा, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। खर्च, यदि आपको जिसकी ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप खरीद रहे हो तो एक दिन आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उस चीज़ों को बेचना पड़ेगा। सेविंग, खर्च करने के बाद जो बचे उसे सेव ना करें, लेकिन सेव करने के बाद जो बचे उसे खर्च अवश्य करें। जोखिम, कभी भी नदी की गहराई को 2 पैरों से नहीं नापना चाहिए। निवेश, कभी भी अपने सारे अंडों को एक ही बास्केट में ना डालें। उम्मीद, ईमानदारी सबसे महंगा तोहफा है, छोटे लोगों से इसकी उम्मीद ना करें। इंसानियत, यदि आप इंसानियत के 1% लकी लोगों में भी शामिल हों तो आप 99% लोगों को इंसानियत सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वॉरेन बफेट, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें बताएं। लाइक करें हमारे वीडियो को,
शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यह आप लोगों का अपना चैनल है और मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।